गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। सो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट पार्ट वन है, सैंपल पेपर है फर्स्ट। अब तक आपने जो भी चैप्टर पढ़े हैं ना, ये इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हीं से रिलेटेड होंगे। ओके, सो फर्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए है आपका, इसमें क्या है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपसे पूछा है ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स कौन सा है। फर्स्ट है कंप्यूटर गेट्स टायर्ड। क्या होता है, कंप्यूटर थक जाता है, तो कंप्यूटर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर थकता है कि आप लोग थक जाते हो? कंप्यूटर थकता है क्या? नहीं थकता ना कंप्यूटर, तो ये कौन क्या होगा, फॉल्स। फिर देखो सेकेंड नंबर है मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। ये बात सही है क्या, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। मशीन्स क्या हैं, मैन मेड थिंग्स हैं, आप लोगों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा, ठीक है, इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है, तो ये क्या है, ट्रू। ओके, फिर देखो थर्ड नंबर का जो ट्रू फॉल्स है उसमें क्या पूछा है, माउस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू की जगह माउस को बना दिया, देखो माउस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। माउस कैसे हो सकता है ब्रेन, माउस तो क्या करता है, किसी चीज़ को सेलेक्ट करता है या किसी आइकन को ओपन कर देता है। माउस ब्रेन हो सकता है क्या, इतने सारे काम कर सकता है क्या माउस, नहीं कर सकता ना, ये भी क्या होगा, फॉल्स। फिर देखो नंबर फोर है ए कंप्यूटर हेल्प्स अस, ए कंप्यूटर help us to solve maths problems, correct। ये तो बहुत अच्छा true false है ना, और ये correct भी है कि जो कंप्यूटर है वो हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में, मैथ्स के क्वेश्चंस को या मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या होगा, ट्रू। फिर नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर है स्पेस बार कौन सी की है, लॉन्गेस्ट की है या स्मॉलेस्ट की है। स्पेस बार इज द स्मॉलेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड की सबसे छोटी की है स्पेस बार। ये सही है क्या स्टेटमेंट या गलत है, हमने क्या पढ़ा है, स्पेस बार सबसे लॉन्गेस्ट की है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इसका क्वेश्चन नंबर बी है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आपको पता है ना इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग
यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. आपने आपके पास बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें उन्हीं का यूज़ करना है. देखो कितना इजी हो गया ना हमारे लिए कि एक बॉक्स में हमारे पास वर्ड्स दिए होंगे, हमें उनमें से ही सेलेक्ट करना है ना. तो लेट्स सी केयरफुल स्टूडेंट्स, लुक केयरफुल. सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक, ई एल ई सी टी आर ओ एन आई सी, इलेक्ट्रॉनिक. सेकंड वर्ड क्या है हमारे पास? गेम्स. और थर्ड क्या है? प्रिंट. फोर्थ क्या है? 26. फिर लास्ट क्या है? स्कूल, जिसकी आपकी अभी छुट्टियां हैं, है ना. तो लुक केयरफुली, फर्स्ट जो फिलअप है उसमें आपसे पूछा है वी यूज ए प्रिंटर, वी यूज ए प्रिंटर टू फिल ड्राइंग drawing drawings and pictures drawings and pictures. हम प्रिंटर का यूज क्यों करते हैं? ड्रॉइंग और पिक्चर्स को किस लिए? प्रिंट करने के लिए. किस लिए? प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं. देखो प्रिंटर का यूज़, प्रिंटर वैसे क्या है, कौन सी डिवाइस है? प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस. फिर देखो सेकंड, देयर आर अल्फाबेट अल्फाबेट कीज ऑन ए कीबोर्ड. आपके कीबोर्ड में कितनी अल्फाबेट कीज होती है? 26. वैसे भी अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26. फिर देखो नेक्स्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन फिल मशीन. कैसी मशीन है आपका कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक मशीन. हम क्या फिल करेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉनिक. फिर देखो फोर्थ नंबर है आपका, वी कैन प्ले, we can play on a computer. हम क्या खेल सकते हैं कंप्यूटर पर? गेम. क्या खेल सकते हो आप लोग? गेम खेल सकते हो ना. तो क्या फिल करना है यहाँ पे? गेम. ठीक है, अब आपका लास्ट बचा हुआ है वो है इन कंप्यूटर, कंप्यूटर आर यूज्ड, कंप्यूटर आर यूज्ड टू स्टोर स्टूडेंट्स डिटेल. स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल में या कॉलेज में? तो हमारे पास क्या ऑप्शन था इसमें? स्कूल.
ये जो आपके दोनों क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।